भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन क्रिकेटर्स के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ऐलान कर दिया है। इस नए सिस्टम में टीम इंडिया के फास्ट बॉलर और हाल के समय में विवादों में गिरे मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया है। शमी पर उनकी वाइफ ने अवैध संबंध होने के साथ ही मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी उन्हें तगड़ा झटका देते हुए अपनी सालाना प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। पिछले साल तक शमी बोर्ड की ग्रेड बी लिस्ट में शामिल थे और उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते थे। शमी की वाइफ हसीन जहान ने मंगलवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर शमी के कुछ फोटोज और उनके मोबाइल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए हस्बैंड पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शमी ने भी अपनी सफाई में कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है और उन्हें बदनाम करने और उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि शमी फिलहाल देवधर ट्रॉफी के लिए भारत ए की तरफ से खेल रहे हैं। शमी ने भारत की तरफ से 30 टेस्ट मैच, 7 T20 और 50 वनडे मैच खेले हैं।